हेलो गाइस, यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग देखो एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम जनरली बोल देते हैं कि कॉल इट एज कॉल इट एज वी कैन से राइबोसोम बुलाते हैं। राइबोसोम की बात करें तो अच्छा राइबोसोम क्या है, वो जनरली इन्हें आप बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सर अगर मैं बात करूँ किसी प्रोकैरियोटिक सेल की तो वो तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में है, बट अगर आप बात कर रहे हैं किसी यूकेरियोटिक सेल की तो यूकेरियोटिक सेल में आपको जनरली देखने को मिलेगा कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सर यूकेरियोटिक सेल में हमें मिलेगा एक तो वो जो RER होता है उसकी सरफेस पे राइबोसोम, साथ में साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट जो राइबोसोम, ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होंगे और ये इसकी सरफेस पे होंगे। तो ये मैं ब्लैक में जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ये सारे क्या हैं सर, राइबोसोम्स। ओके राइबोसोम्स की बात की जा रही है, ये अगर बात करेंगे आप राइबोसोम, देन जरा इनके स्ट्रक्चर की बात करें। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं मैंने कहा भाई इसका काम होता है, इनके स्ट्रक्चर पे चलें हम लोग। तो राइबोसोम जो होते हैं आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में, यू कैन से दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। यहाँ पे बात समझिए, 70S 80S कोई नंबर नहीं है, इट इज़ अ यूनिट। यूनिट मीन्स ये स्ट्रक्चर को बोला जा रहा है, और यहाँ पे एस का मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट या स्वीडबर्ग कॉन्स्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पर बोला जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़, अब 70S और 80S की अगर आप बात करोगे तो मैं बात करूँ ये फर्दर डिवाइड होती है दो सब यूनिट में। जैसे 70S वाली जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में है ये डिवाइड होगी 50S में और 30S में, दो सब यूनिट होती है, ठीक है। ये दोनों सब यूनिट जब आपस में फ्यूज होंगी तो एक सब यूनिट तैयार करेंगी 70S। सेम ऐसे ही ऐसे हम बात करेंगे यूकेरियोटिक राइबोसोम्स की, तो वहाँ 80S है, 80S दो सब यूनिट से बनी है, एक 60S और एक बनी है 40S से, ठीक है। प्लीज़ इसको ऐड ना करें, ये ऐड नहीं हो रहा है, कहीं आप सोचें कि ये एडिशन है, नहीं एडिशन नहीं है, ये फ्यूज़न है। दो सब यूनिट फ्यूज़ होके ये बना रही हैं, इधर दो सब यूनिट फ्यूज़ होके ये बना रही हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना बस कि सर जो ये बड़ी वाली है वो लार्ज होती है, ये स्मॉल हो गई, सेम यहाँ भी ये 60S लार्ज हो गई और ये स्मॉल सब यूनिट हो गई। ये आपकी सब यूनिट्स की बात की जा रही है, इसके अंदर बड़ी और छोटी। उसके बाद जो है सिंपली जो ये देखो फंक्शनल यूनिट यही होती हैं, जब तक प्रोकैरियोटिक में 70S ये ना बने 80S ये ना बने यूकेरियोटिक में, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं चलेगी, मतलब ये अकेले अकेले नहीं कर सकती, इनको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब यूनिट्स बोली जाती हैं। अभी जो ये सब यूनिट्स हैं इनकी फर्दर सब यूनिट्स लाइक 50S 5S और 20S RNA होता है, या राइबोसोमल RNA बोलते हैं, राइबोसोम बोल सकते हो आप। 30S की बस एक ही सब यूनिट है, 16S से बनी होती है। 80S जो कि 60 और 40S है, 60S की तीन सब यूनिट है आपकी, 5S 5.8S और 28S, जबकि 40S की एक ही सब यूनिट है दैट इज 18S, अगर आप राइबोसोमल सब यूनिट्स की बात करेंगे। तो ये राइबोसोम सब यूनिट्स हैं, मतलब ये यूनिट मिलके 50S बनाएगी, ये ऐसी कई यूनिट मिलके 30S बनाएंगी, फिर ये दोनों मिलके 70S बनाएंगी, ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, तब ये काम करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का। ऐसे ही ये तीनों यूनिट्स मिलके बनाएंगी 60S, ये ऐसी यूनिट मिलके बनाएंगी 40S, दोनों मिलेंगी तो बनाएंगी 80S, ये यूकेरियोट्स में तब काम करेंगी। दैट इज अबाउट राइबोसोम। अब यहाँ पे लेकिन एक बात समझ लेना, यूकेरियोटिक सेल में दो जगह ऐसी हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बाकी चाहे वो राइबोसोम आपका ER RER के ऊपर हो तो भी 80S है,
न्यूक्लियस के अंदर है या उसकी सरफेस पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो भी ईटीएस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पे भी होता है या साइटोप्लाज्म में वैसे प्रेजेंट है तो भी ईटीएस होगा, बट दो जगह कहाँ होगा, 70S माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। एक बात, दूसरी चीज़, 70S जो राइबोसोम है आपका, अगर प्रोक्रियोटिक की बात करोगे तो प्रोक्रियोटिक में 70S ही होगा। प्रोक्रियोटिक में 80S तो है ही मेनली, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो जगह हैं जहाँ पे क्या होगा, 80S नहीं 70S होगा। ओके, आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा इसके बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है, इसको ध्यान रखें। ओके थैंक यू, और इसको इसको जरूर उसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है।